लेने जाएंगे, बता दे गाइस को, बता जल्दी के पास पहुंच गया भाई बुरी की ना, इसमें थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, इसके लिए अभी ना मैं ड्रोन भाई आप चला जाएगा और तीन चार दिन में ये भी चली जाएगी। देखो इसको साथ खेलने के लिए कितना उतावला हो रहा है, ऊपर ही चढ़ गया, सिरो तेरा फ्रेंड बन गया ये है ना। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल, आप देख रहे हो एसी डॉग व्लॉग, स्वागत है भाई एक नए व्लॉग में। तो गाइस आज थोड़ा सा लेट हो गया, देखो ये बैठी नोरा आराम से और ये बैठा सिरो, जैसे मैं तेज तेज बोलने लगूंगा ना इनको पता लग जाएगा व्लॉगिंग स्टार्ट हो गई, देखना उठने में। सिरो चल सिट बैठ जा, अरे ये भी साथ साथ उठ गया भाई। सुंदो हेलो अभियान सिंह ये भी उठ गया साथ साथ, क्या करने जाएंगे आज, हम क्या लेने जाएंगे बता दे गाइस को, बता जल्दी। लेडो कौन सा पपी, कौन सा पपी लाएंगे ये तो बता दे, जर्मन शेफर्ड। तो गाइस आज एक नया पपी आने वाला है भाई हमारे घर पे, पहले इनको फटाफट ना घुमा के ले आता हूँ, ऑलरेडी पहले ही लेट हो गया हूँ मैं, तब यार मैं अभी आ रहा हूँ इनको घुमा के, ठीक है। ओए तो गाइस आ गए भाई बाहर, शिरो और नोरा को लेकर फटाफट घुमा लेता हूँ, धूप बहुत तेज हो रही है आज, थोड़ा सा लेट हो गया, अब तो सवेरे तो होता ही नहीं भाई, सीधा दोपहरा ही हो गए, चल जल्दी आ नोरा कम। और गाइस इन्होंने भी ना भाई बाहर आते ही टॉयलेट पोटी करी है, क्योंकि इनकी बहुत तेज आ रही थी, आज लेट हो गए थे ना, मैं सुबह सुबह घुमा लेता हूँ इनको 7:30 बजे के आसपास, और ये कमरे में थे इसलिए भाई अपना रोक के बैठे थे बेचारे आराम से, ये नोरा तो मेरे को उठा लेती है, जिसने भी नहीं उठाया, जिसको पता होगा शायद आराम से सो रहे हैं छुट्टी वाला दिन है इसलिए। तो भाई ये तो बिल्कुल हाथ लगा लगा के उठाती है मेरे को, बिल्कुल ऐसे उठाती है जैसे कभी हाथ लगाएगी, कभी मुँह चाटेगी, कभी मेरे हाथ पकड़ पकड़ के खींचेगी अपने पैरों से। तो गाइस फाइनली आ गए भाई घुमा कर, आते ही ना घूम के जैसे आए आते सीधा कमरे में, केज में तो इन्हें जाना ही नहीं है, और सर्दी होती है ना तो सीधा अपने केज में, गर्मी में भाई इनको ही पता कहाँ बैठना है, कहाँ उठना है, कहाँ क्या करना है, फटाफट ना इनकी डिवॉर्मिंग करनी है, डिवॉर्मिंग की दवाई मैंने रात को इनकी मंगा ली थी, और फिर नाश्ता करके भाई चलेंगे जर्मन शेफर्ड का पप्पी लेने। अच्छा दवाई दे दूँ फिर इनको, गाइस कह रहा परेशान करता है, तो फिर चलेंगे भाई जर्मन शेफर्ड का पप्पीज लेने, बने रहो वीडियो में, एक बार फटाफट इनकी डिवॉर्मिंग कर दूँ। तो गाइस ये है भाई, देखो छोटे पपीज के लिए मैंने डिवॉर्मिंग किया ना, सिर्फ मंगा ली थी रात को ही, और ये इनके लिए टैबलेट मंगाई थी और एक इंजेक्शन, हाँ इंजेक्शन भी मंगाया था भाई, ये छोटे वाले पपीज को लगाना है कल, आज उसकी डिवॉर्मिंग कर देंगे, कल उसको भाई वैक्सीन कर देंगे, ठीक है, और ये इनकी डिवॉर्मिंग की, अभी इनकी डिवॉर्मिंग कर देता हूँ फटाफट। और गाइज इनकी आदत ऐसी है भाई, ये आराम से दवाई खा लेते हैं, लेकिन इनकी जो मदर थी ना, जो लीजा थी मेरी वीडियो में, जो पहले मेरे सब्सक्राइबर हैं शुरू से, उनको पता है वो दवाई से भाई कितना चिढ़ती थी, वैसे कुछ नहीं बोलती थी, बस भागती थी, चक्कर कटाती थी मेरे, कभी यहाँ कभी वहाँ, पूरे घर में मतलब चक्कर कटा देती थी दवाई के चक्कर में, अब इनको दे दूँ टैबलेट। तो गाइस दोनों को टैबलेट देती भाई, अब ना ये इनको शाम को ही खाना दूंगा, आज तो खाना इनको सुबह वाला दे नहीं सकता, क्योंकि भाई मेडिसिन अपना काम करेगी पूरी तरीके से, फिर शाम को ही खाना दूंगा इनको। चलो शिरो उधर चल, खड़ा हो उठ वहाँ बैठ, चल जल्दी चलो 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 वहाँ बैठ, चल वहाँ, वेरी गुड। तो गाइज हो गया भाई नाश्ता, अब जा रहे हम पपीज लेने, और रितांश को नहीं लेके जा रहा मैं, सिर्फ अकेला जा रहा हूँ, इसको यहीं ला के मिला दूंगा, क्योंकि यार ये अच्छा चल चल आ जा आ जा आ जा। तो भाई ये भी चल रहा है ऐसे बोल रहा, चलो 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 चल ऐसे ही चलेगा, क्रीम रोल खाता खाता ना, क्रीम रोल खाता खाता चलेगा, चल तो फिर चल। तो गाइस पहुंच गए भाई नोनी के पास पपीज लेने, और ये इतांस की चीज देख ली नोनी एक बार बच्चे। तो गाइस इसमें से ना भाई एक मेल है और एक फीमेल है, तो हमने ये दो ही बच्चे दिखाए थे कस्टमर को, कभी भाई कई बार ये सोचते हैं कि कुछ दिखा दिया कुछ और दे दिया कुछ, हमने दो ही बच्चे दिखाए थे, और दोनों देखो भाई एक फीमेल और एक मेल, और ये आज ये हमारे पास ये कस्टमर को देना है, इसकी पेमेंट भी आ चुकी है भाई, और मैं कभी इनसे मिला भी नहीं, उन्होंने ना सिर्फ बात ही करी थी फोन में, उन्होंने पेमेंट भी भेज दी और पपीज की मैंने वीडियो और फोटो भेजी थी, तो ये भी भाई आज चला जाएगा, उसके बाद एक ये फीमेल बचेगी और ये तीन चार दिन में ये भी चली जाएगी। भाई नए पपी की एंट्री होगी, और भाई देखो शिरो और नोरा इसको देख, उह भाई वैसे नहीं बच्चे को कुछ नहीं बोलेगा, काटेगा नहीं, हट जा शिरो पीछे मारूंगा देख ले पीछे, भाई भी देख रहे कौन आ गया हमारे घर में नया। और गाइस कस्टमर ने ना भाई इसका नाम रखने की बोला है, ओनर ने इसके इसका नाम रख दिया हमने लक्की, इसका नाम लक्की रख दिया है, ठीक है ओके लक्की। तो गाइस मैंने इनके पास छोड़ दिया, देखो कैसे खेल रहे हैं, इसको बोलेगा कुछ नहीं भाई, इसको पता है ये बच्चा है छोटा, शिरो ये भी डर रहा है भाई, और इसकी भी भाई अभी ना साथ साथ डिवॉर्मिंग कर देता हूँ, देखो इसको साथ खेलने के लिए कितना उतावला हो रहा है, ऊपर ही चढ़ गया शिरो तो, शिरो इसको परेशान मत कर, नीचा नीचा गुड। तो भाई लक्की की भी कर देता हूँ डिवॉर्मिंग फटाफट। और गाइस देखो आते ही ना भाई शिरो ने इसको अपना दोस्त बना लिया, नोरा के पास तो ये बैठ भी नहीं रहा है, देखो नोरा के पास तो बैठ भी नहीं रहा, सिर्फ शिरो के पास ही बैठ रहा है, और इतना समझदार है बाहर चला गया था भाई, मैंने आवाज लगाई ना लक्की अंदर आ, तो साथ साथ अंदर ही आ गया, इतना समझदार भी है ये, इसके साथ साथ लक्की ये देखो भाई शिरो का बन गया फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड शिरो तेरा फ्रेंड बन गया ये है ना। इसका नाम ओनर ने बोला रखने के लिए लक्की, इसका नाम आज से लक्की है, अब ये तीन चार दिन हमारे साथ ही रहेगा, और शिरो यहाँ चल
भाई ये जब से आया ये जब से शीरो तो पागल हो रहा है इसके पीछे खेलने के लिए इसके पास ऐसे ऐसे खेलता है। शीरो नहीं पीछे हो जा, डिवॉर्मिंग कर दूं मैं इसकी, इनकी तो भाई डिवॉर्मिंग कर दी मैंने सुबह, अब लक्की की बारी है, लक्की की डिवॉर्मिंग कर देते हैं फटाफट। बेटा डिवॉर्मिंग कर दूं तेरी, मैं कर दूं डिवॉर्मिंग, चल तो भाई जी है ना वेट के हिसाब से देनी होती है, तो इसका लमसम वेट होगा 4 kg के आसपास होगा, तो हमें इसको 4 ml पिलानी पड़ेगी। और भाई जैसे दवाई पिला रहा है ना वैसे काट रहा, बहुत ही पहने दांत है इसके, नुकीले दांत है और छोटे छोटे पैंथर नहीं है बेटा ये लक्की है, लक्की तो पैंथर बोलते हैं, वो वाला दूसरा है ना पैंथर। और गाइस लक्की की भी भाई डिवॉर्मिंग हो गई है, और देखो कितना क्यूट लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है ये, और वीडियो बनते हैं ना जैसे ही मैं बोलता हूँ ना भाई ये आ गए। ओए बैठ जा आराम से, नहीं तो केज में बंद कर दूंगा, देख लियो। हाँ बैठ जा आराम से, चल केज में बंद होना है। तो गाइस देखो कितना क्यूट लग रहा है भाई, अभी 3-4 दिन हमारे पास ही रहेगा, और इसके ओनर गाइस 3-4 दिन रहेगा ना भाई, ये देखो कितना प्यार कर रहा है इसको, कितना खेल रहा है इसके साथ, और जब ये चला जाएगा ना इसका मन भी नहीं लगेगा, इतना से लक्की चला जाएगा जब मन लग जाएगा आपका, दे दूँ इसको, भेज दूँ। अरे आपका नहीं है ये, अंकल का है बेटा। शीरो तू पीछे हो जा, इससे पिटेगा नहीं तो खिलवा दूंगा तने। भाई ये बच्चों के साथ ना बहुत ज्यादा खेलता है इसलिए परेशान कर रहा है इसको बार बार। इसको ना जेल में, इसको पिंजरे में बंद कर दो। केज में बंद कर दूं? ठीक है। अभी ना भाई एक कॉल आया, एक पाकिस्तानी बुल्ली को भी देखने चलेंगे जिसकी आंख में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, और 4-5 दिन हो गए खाना नहीं खा रहा, तो सुबह से ना उनका फोन आया जा रहा भाई, एक बार उसको और देख आऊंगा, फिर उसके बाद उसकी कंडीशन दिखाते हैं क्या है क्या नहीं है, फिर उसके देखेंगे ट्रीटमेंट अगर मुझसे होगा तो ठीक है करेंगे, नहीं तो भाई फिर भेजेंगे उसको डॉक्टर के पास। तो चलो चलते हैं, उसको दिखाता हूँ आपको भी पाकिस्तानी बुल्ली बुरी। बस 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 बैठ जा बैठ जा। तो गाइस भूरी के पास पहुंच गया भाई, भूरी की ना इसमें थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, इसके लिए अभी ना मैंने ड्रॉप की इसकी फोटो भेजी है डॉक्टर को, इसकी ड्रॉप वो भेजेंगे, इसको देखते हैं फिर ठीक हो जाएंगे, क्योंकि भाई मेरी लीसा को भी हो गया था, वो 2-3 दिन में ठीक हो गई थी, इसकी वजह से ना इनकी आंखों में पेन रहता है, तो इसकी वजह से ये खाना भी नहीं खा रही है ठीक से, तो इसका ड्रॉप मंगाया अभी, फोटो भेज दिया मैंने। भूरी बैठ जा, भूरी बैठ जा, शाइनिंग बहुत बढ़िया है। तो गाइस फाइनली पहुंच गए हूँ भाई घर, और देखो ये कितने आराम से सो रहे हैं, ये सो रहा लक्की पूरा कोने में, वहाँ पे शीरो लेट रहा है, और ये देखो नोरा कितने आराम से इसके लक्की के साथ। और वीडियो यहीं एंड करता हूँ, आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना।